मैथमेटिक्स में प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन पढ़ रहे थे भाई हम लोग, और उसमें एग्जाम्पल 5 तक हम कर भी चुके थे, याद है आपको? याद नहीं है? याद है। और कुछ स्पेशल टाइप के फंक्शन जैसे थे tan x, cot x, sec x, cos x, इनके इंटीग्रल भी निकाले थे हम लोगों ने। क्या आए थे इंटीग्रल, याद है किसी को? tan x का क्या बनेगा बोलिए जल्दी से, log sec x या माइनस log cos x। cot x का क्या होगा, log sin x या माइनस log cos x। sec x का क्या मिला था आपको, log sec x plus tan x या माइनस log sec x माइनस tan x। और cos x का क्या मिला हुआ था, माइनस log cos x plus cot x या log cos x माइनस cot x। भूल गए आप लोग, बताइए, पूरा डिराइव करवाया हमने आपको। चलिए याद करते रहिए, क्योंकि जरूरत पड़ने पर उनको यूज करना पड़ेगा आपको। एग्जाम्पल नंबर 6 पे 3 पार्ट में क्वेश्चन है। सबसे पहला पार्ट हमारे सामने लिखा हुआ है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यूब एक्स इंटू कॉस स्क्वेयर एक्स डीएक्स, इसका समाकलन ज्ञात करना है। बेटा देखो, इसको बेटा हम लिख सकते हैं साइन एक्स का होल क्यूब, और ये जो कॉस स्क्वायर एक्स है इसको हम लिख सकते हैं वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स। बताइए कोई प्रॉब्लम आपको, कॉस स्क्वायर एक्स को वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और साइन क्यूब एक्स को साइन एक्स का होल क्यूब, साथ में यहां पर डी एक्स। नहीं, ऐसे तो नहीं बनेगा, क्योंकि फिर हम अगर साइन को मानेंगे हमें एक कॉस तो चाहिए। देखो ऐसे नहीं बन पाएगा बेटा, देखो ऐसा करेंगे भाई, इसको हम लिख देंगे साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स का होल स्क्वायर इंटू साइन एक्स इंटू डी एक्स। बताइए ऐसा लिखा जा सकता है कि नहीं, साइन एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स, साइन क्यूब एक्स आ जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स वही बना रहेगा। इस साइन स्क्वायर एक्स को बहुआ हम लिख सकते हैं वन माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स होल स्क्वायर इंटू साइन एक्स डी एक्स। यहां तक कर लिया। अब माना, प्रतिस्थापन का मेथड याद है ना आपको, फलन और उसका अवकलन वहां मौजूद रहता है, तो यहां पर हमको क्या मानने से फायदा, देखो साइन का अवकलन कॉस भी मौजूद है और कॉस का अवकलन साइन भी मौजूद है, पर इजी क्या पड़ेगा हमारे लिए, इजी हमारे लिए पड़ेगा अगर हम कॉस एक्स को टी मानते हैं, दोनों पक्षों में क्या कर देते हैं, अवकलन कर देते हैं, डिफ्रेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड्स। कॉस एक्स का डेरिवेटिव बताइए, माइनस साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, ये माइनस से मल्टीप्लाई करवा दो दोनों साइड्स में आप, तो यह आ जाएगा साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस डी टी। तो जहां कॉस एक्स है वहां टी लिखेंगे, और जहां साइन एक्स डी एक्स है वहां पर माइनस डी टी लिख देंगे। देयरफोर इसी पे हम अप्लाई कर देंगे, वन माइनस कॉस एक्स की जगह पर क्या लिखना है टी, और कॉस स्क्वायर एक्स है तो क्या करेंगे टी स्क्वायर कॉस एक्स का होल स्क्वायर, मतलब टी का होल स्क्वायर साइन एक्स इंटू डी एक्स माइनस डी टी। सॉरी, इतना समझ आया कि नहीं आया? नहीं आ पाया? आया। अब इसे थोड़ा सा कैलकुलेट कर लीजिए आप, ये टी स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई करवा लीजिए आप, तो माइनस टी स्क्वायर का वन से किया तो टी स्क्वायर, और टी स्क्वायर का माइनस टी स्क्वायर से कर देंगे तो टी टू दी पावर फोर, और यहां पर डी टी। अब बाहर माइनस पीछे डी टी है, गुणा करवाते जाइए, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ टी स्क्वायर डी टी
माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ टी टू दी पावर 4 dt, टी स्क्वेयर dt। इसमें वही फॉर्मूला लगेगा जो x टू दी पावर n dx में लगता है। x टू दी पावर n का क्या होगा, x टू दी पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, तो t टू दी पावर 2 प्लस 1 3 अपॉन 2 प्लस 1 3। ऐसे यहां पर बुआ लगाओ फॉर्मूला, t टू दी पावर 5 अपॉन 5 प्लस c। अब हमें t की वैल्यू लिखनी है, t की जगह पर क्या लिखना है, cos x। तो जब आप लिखोगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी cos क्यूब x अपॉन 3, cos x की घात 5 लिखोगे तो ये बन जाएगा cos टू दी पावर 5x अपॉन 5 प्लस c। बस ये हमारा आंसर आ जाएगा। देखो तो हमने प्रतिस्थापन का यूज किया, cos x की जगह t लिख करके हमने उसको सॉल्व किया। आपको समझ आया कि नहीं आया, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लीजिए यहीं पर, 6 नंबर एग्जाम्पल का सेकेंड पार्ट पे है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस ए साथ में dx, इसको इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। इसको कैसे करेंगे थोड़ा ध्यान से बेटा देखिएगा। माना x प्लस ए इज इक्वल टू t, हमने x प्लस ए को क्या मान लिया, t। यहां पर जो x प्लस ए है इसको हमने t मान लिया। अब दोनों पक्षों का अवकलन करने पर x का अवकलन कितना होगा, dx, a का 0 और t का कितना हो जाएगा dt, क्योंकि मैंने ये नहीं बताया कि किसके सापेक्ष करिए, इसलिए अब ये वैल्यूज यहां पर रखिए। तो फिर और एक चीज देखो, x प्लस a इज इक्वल टू t है तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, t माइनस a। अब यहां पर आप लिख दीजिए देयरफोर इंटीग्रेशन ऑफ साइन x अपॉन साइन x प्लस a और साथ में dx, इंटीग्रेशन ऑफ साइन x की जगह पर t माइनस a, x की जगह पर t माइनस a, साइन x प्लस a की जगह पर t, सॉरी x प्लस a की जगह पर क्या आ जाएगा साइन t। और बेटा dx की जगह पर देखो, dx की जगह पर dt, साइन a माइनस b का फॉर्मूला अप्लाई करिए, साइन t cos a माइनस cos t साइन a अपॉन यहां पर लिखा हुआ है साइन t और साथ में dt। आप ऊपर दो टर्म है नीचे एक है, अलग अलग कर दीजिए। हम जब इसके नीचे इसे लिखोगे तो साइन टी से साइन टी कैंसिल हो जाएगा, क्या बच जाएगा कॉस ए साथ में डी टी माइनस, जब इसके नीचे इसे लिखोगे तो कटेगा तो कुछ नहीं, पर कॉस टी अपॉन साइन टी मिला के क्या बना लेंगे, कॉट टी, कॉस टी अपॉन साइन टी कॉट टी, और साथ में ये क्या आएगा साइन ए इंटू डीटी। टी के सापेक्ष समाकलन करना है और ये फलन ए का है, देखो फलन ए का है, टी के सापेक्ष समाकलन करना है तो ये अचर पद है, अचर पद को बाहर ले लो आप, कॉस ए और डीटी का इंटीग्रल क्या बनेगा, इस तरीके से डीएक्स का इंटीग्रल एक्स वैसे डीटी का इंटीग्रल टी माइनस, ऐसे ही बेटा साइन टी भी तो कांस्टेंट है, टी नहीं सॉरी साइन ए कैसा है कांस्टेंट, अंदर में क्या बचा बताओ कॉट टी डी टी, और कॉट टी का टी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रल क्या होता है लॉग साइन टी, कॉट एक्स का याद करो लॉग साइन एक्स, तो कॉट टी का लॉग साइन टी, तो इसका हम लिख देंगे लॉग साइन टी और लास्ट में क्या लगा देंगे प्लस सी, ठीक है मुझे लगा मैंने इस पे सी नहीं लगाया है इसलिए हम देखने लगे टी की जगह पर क्या लिखना है एक्स प्लस ए,
तो टी की जगह पर हम लिखेंगे एक्स प्लस ए, एक्स प्लस ए इंटू कॉस ए माइनस साइन ए इंटू लॉग मॉड्यूलस ऑफ साइन एक्स प्लस ए, जहां जहां टी है वहां वहां हमने एक्स प्लस ए लिख दिया। और अब आप देखें ये आंसर आ गया आपके एग्जाम्पल नंबर सिक्स का सेकेंड पार्ट, एक्स प्लस ए इंटू कॉस ए माइनस साइन ए इंटू लॉग साइन एक्स प्लस ए प्लस सी। ठीक है, नोट कर लीजिए इसका तीसरा पार्ट बाकी है, उसके बाद एक्सरसाइज 7.2। एग्जाम्पल नंबर सिक्स का थर्ड पार्ट, इंटीग्रेशन ऑफ 1/(1+tan x dx), इसको आप ऐसे कर लीजिए, tan x को हम लिख सकते हैं sin x अपॉन cos x और यहां पर dx, इसके नीचे 1 माना जा सकता है, LCM वगैरह आप ले लीजिए, LCM कितना बनेगा यहां पर cos x, तो ये cos x यहां पर आ जाएगा cos x प्लस sin x और ऊपर कौन है 1, साथ में dx, ये पलट जाएगा नंबर, तो ये cos x ऊपर आ जाएगा cos x अपॉन cos x प्लस sin x और dx। अब हमें इसको सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करेंगे, हम एक काम कर देते हैं, आप सबसे पहले इसमें ऊपर नीचे 2 से गुणा और ऊपर 2 का गुणा और यहां भी 2 का गुणा करा दीजिए, मतलब 2 से गुणा और 2 से भाग दे दीजिए। अब ये वाला जो 2 है वो तो ये लिखा रहा, ऊपर में क्या बन गया 2 cos x, 2 cos x को बेटा हम ऐसे लिख सकते हैं cos x प्लस sin x प्लस cos x माइनस sin x, देखो लिखा जा सकता है कि नहीं, आप जब चाहोगे माइनस sin x से प्लस sin x कैंसिल हो जाएगा और cos x और cos x मिलके क्या बन जाएंगे, तो आप बस इतना समझ लो कि ये 2 cos x था, इसको हमने cos x दो जगह लिख दिया और एक sin x जोड़ दिया और एक sin x माइनस कर दिया, ये cos x प्लस sin x और यहां साथ में dx। अब ये दो टर्म आप बना लो, अलग अलग कर दो, तो यहां पर क्या मिलेगा 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ cos x प्लस sin x अपॉन cos x प्लस sin x dx। देखो बेटा 1/2 cos x प्लस sin x अपॉन cos x प्लस sin x, फिर प्लस लगा दिया हमने, इंटीग्रेशन ऑफ, देखो 1/2 इसके साथ भी रहेगा बेटा क्योंकि 1/2 सबके बाहर है, तो 1/2 इसमें भी रहेगा और अब ये लिखना पड़ेगा हमको cos x माइनस sin x अपॉन cos x प्लस sin x dx। इसको आप जरा ध्यान से देखोगे तो ये और ये सेम मिलेगा, आप कैंसिल कर सकते हो 1/2। आप एक काम करिए, इसका तो बड़ा आसान हो गया, इसको एक काम करिए, इसको सॉल्व करने के लिए हम सब्स्टिट्यूशन लगा देते हैं, तो माना cos x प्लस sin x इज इक्वल टू टी, हमने ये जो नंबर आप देख रहे हैं ना इसी को हमने टी मान लिया, पूरा हर को टी मान दिया। अब अवकलन करेंगे आप, डिफ्रेंशिएट करिए दोनों पक्षों में, cos x का क्या होगा माइनस sin x और sin x का क्या होगा cos x और साथ में क्या लिखेंगे dx इज इक्वल टू dt। आप थोड़ा सा सीधा करके लिख लो, इसको पहले इसको बाद में कर दो, तो ये आ जाएगा cos x माइनस sin x dx इज इक्वल टू dt। अब लिखिए यहां पर क्या बचा 1/2, ये कैंसिल होके क्या बच गया केवल
dx प्लस 1 बाई टू, ध्यान से देखिएगा, cos x माइनस साइन x इंटू डी एक्स, cos x माइनस साइन x इंटू डी एक्स, इस पूरे को हटा के ऊपर क्या लिख देंगे, dt अपॉन cos x प्लस साइन x को क्या लिख देंगे, t। बताइए इसमें कोई डाउट है आपको? अब इसे और सॉल्व कर लीजिए, dx का इंटीग्रल क्या आता है, x प्लस 1 बाई टू dt अपॉन log t का क्या होगा, dt अपॉन t का क्या होगा, log t। तो log t प्लस c, 1 बाई टू x प्लस 1 बाई टू log, और t की जगह पर बेटा क्या लिखना पड़ेगा, cos x प्लस साइन x प्लस c। ये बुआ हमारा आंसर आ गया, देखो 1 बाई टू एक्स प्लस 1 बाई टू log cos x प्लस साइन x प्लस c, समझ में आ रहा है? अच्छा आपको एक चीज पूछनी चाहिए, पर आप पूछते नहीं हो कभी, तो मुझे लगता है कि मैं ही बता दूं आपको। आप जैसे देख रहे हो यहाँ पर इतना सब कुछ हो रहा है, एक बार समाकलन हमने यहाँ पर किया है, एक बार समाकलन हमने यहाँ पर किया है, पर कांस्टेंट तो हमने एक ही लगाया, और जबकि आपको समझाया गया था जितनी बार समाकलन करिएगा उतनी बार कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगाइएगा। आपने यहाँ एक बार यहाँ समाकलन किया, एक बार यहाँ किया कि नहीं किया, तो कितने कांस्टेंट आने चाहिए थे, दो आने चाहिए, एक इसके लिए और एक इसके लिए, और आप तो एक ही लगाते हो, क्यों? और यही वो चीज है कि आप पूछते भी तो नहीं हो, ना मालूम भी है नहीं है आपको, और आप पूछते भी नहीं हो। देखो अगर हम दोनों के साथ कांस्टेंट लगा भी देंगे, मान लिया इसके साथ हमने C1 लगा दिया, इसके साथ C2 लगा दिया, तो भी लास्ट में जाके C1 प्लस C2 क्या बना लेंगे, वो कांस्टेंट ही तो रहेगा, उसकी जगह पर हम C- लिख देंगे लास्ट में जाकर के, तो आप कितनी भी बार लगा लो। इसीलिए हम अगर एक क्वेश्चन में चार बार इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो हम चारों बार सब कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगा सकते हैं, लेकिन फाइनली उस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन के होने क्या है, चार के चारों ही कांस्टेंट हैं और मिलकर के उनको हम एक कांस्टेंट में चेंज कर देंगे लास्ट में से, इसलिए हम सबके साथ नहीं लगाते हैं, समाकलन करने के बाद एक कांस्टेंट सीधे लगा दिया करते हैं, ठीक है? चलिए नोट करिए, एक्सरसाइज 7.2 जो आपकी है उसमें लिखा हुआ है 1 से 37 तक के प्रश्नों में प्रत्येक फलन का समाकलन ज्ञात कीजिए। एक छोटी सी चीज और हम आपको बताना चाहते हैं, आप ध्यान से देखो, अगर कभी कोई क्वेश्चन ऐसा लिखा हुआ है एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स डी एक्स, अगर कोई क्वेश्चन आपका ऐसा आ जाता है बाई चांस, एफ एक्स क्या है एक फलन, तो एफ डैश एक्स क्या है उसका अवकलज, एफ एक्स फलन है फंक्शन, और एफ डैश एक्स उसका उस फलन का डेरिवेटिव, इसका मतलब है नीचे फलन है और ऊपर उसी का अवकलन लिखा हुआ, ऐसी सिचुएशन पर क्या आंसर इसका मिलेगा। हमने क्या किया, मान लिया कि एफ एक्स इज इक्वल टू टी, इस एफ एक्स को हमने क्या मान लिया टी, इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे दोनों पक्षों में, डिफ्रेंसिएटिंग ऑन बोथ साइड, एफ एक्स का डेरिवेटिव एफ डैश एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू एफ डैश एक्स डी एक्स एफ डैश एक्स डी एक्स डी टी, और एफ एक्स की जगह पर टी, डी टी अपॉन टी का इंटीग्रल क्या आएगा, लॉग टी प्लस सी, लॉग टी की जगह पर क्या लिखा जाएगा, एफ ऑफ एक्स प्लस सी। तो मैं इससे आपको ये बताना चाहता हूं कि इस टाइप का जो क्वेश्चन होगा उसका डेरिवेटिव ये आएगा, किस टाइप का क्वेश्चन, जिसमें नीचे फलन लिखा हो और ऊपर उसी का अवकलन लिखा हो,
तो कोई क्वेश्चन ऐसा मिले जिसमें हर में एक फलन हो और अंश में उसी फलन का अवकलन लिखा हो, तो उसका इंटीग्रल क्या मिलेगा बताओ? लॉग एफ एक्स प्लस सी। मैं और शुद्ध भाषा में लिख दूं, नीचे में क्या आएगा? फलन। ऊपर उसी का क्या होगा? अवकलन। और dx, तो इसका आंसर क्या मिलेगा? log फलन प्लस सी। समझ आ गया? कभी भी मिल जाए ना ये यूज कर लो, अभी इसको सीख लो, जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे अगर उसमें मिलता है तो हम यही करते चले जाएंगे। समझ नहीं आ रहा है लेकिन आया आपको? अब थोड़ा ध्यान से देखिएगा, पहला क्वेश्चन देखो सभी बच्चे, पहले क्वेश्चन पे है इंटीग्रेशन ऑफ 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर dx। अब देखो नीचे में क्या है यहां पर? 1 प्लस एक्स स्क्वायर। 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है? 2x। तो नीचे जो फलन लिखा है उसी का डेरिवेटिव ही तो ऊपर लिखा हुआ है, तो डायरेक्ट इसका आंसर हम लिख सकते हैं क्या? log log 1 प्लस एक्स स्क्वायर नहीं लिख सकते उससे? अरे ये किस फॉर्मेट का है? ये ऐसी फॉर्म का है कि नहीं है? नीचे फलन है ऊपर अवकलन है, तो इसका इंटीग्रेट करोगे तो क्या आएगा आपको? इसको इंटीग्रेट करने से log 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। समझ आई बात? तो और अगर आप करके देखना चाहते हो तो कैसे करोगे? करके देखोगे तो यहां लिखेंगे माना 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी, दोनों पक्षों का अवकलन करने पर 1 का 0 एक्स स्क्वायर का 2x, साथ में dx इज इक्वल टू dt, इसलिए इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx इज इक्वल टू 2x dx। ये पूरा 2x dx हटेगा, इसकी जगह पर dt, और 1 प्लस एक्स स्क्वायर की जगह पर बेटा t, और dt अपॉन t का इंटीग्रल log t प्लस सी। t की जगह पर क्या आ जाएगा? 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। ये हमारा आंसर आ गया। तो अभी आप ऐसे कर लो, जब कोई बड़े क्वेश्चंस मिलेंगे जिनमें बीच में कहीं पर ये मिल जाएगा जिसमें नीचे फलन ऊपर उसी का अवकलन होगा, तो उसको फिर इंटीग्रेट करके हम log फलन प्लस सी लिख दिया करेंगे। सेकेंड नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, इंटीग्रेशन ऑफ log x होल स्क्वेयर अपॉन x और साथ में dx, इसको इंटीग्रेट करना है। बताइए आपको ये सब्स्टिट्यूशन चल रहा है तो इसमें आपको याद होगा कि फलन और उसका अवकलन मौजूद रहते हैं, तो यहां पर है कुछ आप बता सकते हो किसको हमको t मान लेना चाहिए? log x को हमें t मान लेना चाहिए, तो उसका जब डेरिवेटिव करेंगे तो वो 1/x आ जाएगा। तो फलन क्या है? log x और डेरिवेटिव 1/x। तो माना log x इज इक्वल टू टी, अगर log x इज इक्वल टू टी है तो दोनों पक्षों का अवकलन करने पर, अवकलन करने पर log x का डेरिवेटिव 1/x dx इज इक्वल टू dt, इंटीग्रेशन ऑफ log x होल स्क्वेयर अपॉन x इंटू dx, यही तो क्वेश्चन है बेटा। अब आप ध्यान से देखो log x की जगह पर क्या लिखना है हमें और उसके ऊपर क्या लगाना है? स्क्वेयर। तो ये t स्क्वेयर हो गया, और dx अपॉन x को क्या लिख सकते हो? dx अपॉन x को dt लिख सकते हो। देखो ये समझ नहीं पाए आप? समझ गए सब लोग? देखो आप log x की जगह पर क्या लिखा? t, तो t स्क्वायर, और dx अपॉन x की जगह पर क्या लिखा? dt।
टी स्क्वायर का इंटीग्रल करोगे क्या आएगा, टी क्यूब बाई थ्री प्लस सी। अब टी की जगह पर वैल्यू लिख देंगे लॉग एक्स, तो लॉग एक्स का होल क्यूब अपॉन थ्री प्लस सी। ये आ गया क्वेश्चन नंबर टू। समझ में नहीं आया बेटा आपको? आया, आप नोट करिए, इसके बाद थ्री नंबर पर आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर थ्री पे है, वन अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन एक्स प्लस एक्स लॉग एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, इसको इंटीग्रेट करना है। देखो बेटा आप एक काम कर लो ना, इन दोनों से एक्स कॉमन हो सकता है, एक्स कॉमन कर लो। अगर इन दोनों से एक्स कॉमन कर लिया तो बचा क्या, वन प्लस लॉग एक्स डी एक्स, ठीक है। क्या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, वन अपॉन एक्स अपॉन वन प्लस लॉग एक्स, बात तो वही है। आप फिर से सॉल्व करोगे फिर इसके साथ आ जाएगा। अब हमने इस पे एक काम कर लिया, माना वन प्लस लॉग एक्स इज इक्वल टू टी, ये जो वन प्लस लॉग एक्स है इसको हमने टी मान लिया। डिफरेंशिएट करिए दोनों पक्षों में, डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड वन का। सो रहे हो क्या आप लोग, हमने कुछ पूछा है भाई? वन का डिफरेंशिएशन लॉग एक्स का, वन अपॉन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, बोलते रहिए आप सो जाते हो बीच में। क्वेश्चन पर आ जाते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन एक्स डी एक्स, वन अपॉन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, वन अपॉन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी अपॉन वन प्लस लॉग एक्स की जगह पर टी। इंटीग्रेशन ऑफ डी टी अपॉन टी, यू नो इट इज लॉग टी प्लस सी, लॉग टी की जगह पर वन प्लस लॉग एक्स प्लस सी, आ गया हमारा आंसर। और एक चीज देखिए, देखो ध्यान से, यहां पर अगर थोड़ा सा भी आप ध्यान दोगे तो आंसर तो एक्चुअली यहीं से आ गया। कैसे, वन प्लस लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, और वही तो ऊपर लिखा है, तो नीचे ये फलन है और ऊपर उसी का अवकलन है, तो इसका आंसर क्या जाना चाहिए, लॉग फलन। हम लिखते हैं लॉग और फलन की जगह पर वन प्लस लॉग एक्स, तो लॉग वन प्लस लॉग एक्स। समझ में आया? तो अभी जो हमने पढ़ा था उसके अकॉर्डिंग हम यहां के बाद लॉग वन प्लस लॉग एक्स डायरेक्टली भी लिख सकते थे, पर अभी आप कुछ सवालों में सीख लो कैसे करना है, फिर आगे तो उसको यूज ही करना है हमको। समझ आया बेटा कि नहीं आया भाई? नहीं आया? आया कि वन प्लस लॉग एक्स का अवकलन किया तो वन का जीरो हो गया, लॉग एक्स का क्या आ गया, वन अपॉन एक्स, तो वन प्लस लॉग एक्स का अवकलन वन अपॉन एक्स आया, वही तो ऊपर लिखा है, तो नीचे जो फलन है उसी का अवकलन ऊपर लिखा है, तो लॉग फलन आंसर आ जाएगा हमारा। फोर्थ नंबर, इंटीग्रेशन ऑफ साइन साइन कॉस एक्स डी एक्स, बड़ा इजी है। आप एक काम कर लीजिए, कॉस एक्स को यहां पर टी मान लीजिए, ये वाला कॉस एक्स आप देख रहे हैं ना, और ये वाला वो वाला क्या, एक ही तो कॉस एक्स है पूरे क्वेश्चन में, तो कॉस एक्स आप देख रहे हैं ना, तो उसको ही टी मान लिया हमने। डिफ्रेंशिएट करिए दोनों पक्षों में, डिफ्रेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड्स, कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, ये माइनस अगर उधर भेज देंगे आप तो ये मिल जाएगा साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस डी टी। अब आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पर, साइन एक्स इंटू साइन कॉस एक्स इंटू डी एक्स, बेटा देखो ध्यान से, पहले इसका जिक्र करो, तो हमने लिखा साइन और कॉस एक्स की जगह पर क्या लिखेंगे, टी।
अब इन दोनों को ध्यान से देखो, साइन एक्स इंटू डी एक्स, साइन एक्स इंटू डी एक्स इसकी जगह पर क्या लिख सकते हैं, तो वो माइनस तो बाहर कर लो और डी टी अंदर लिख दो। नहीं समझ में आया, आ गया इतना? अब माइनस साइन टी का इंटीग्रल क्या होगा, माइनस कॉस टी, माइनस कॉस टी प्लस सी, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और कॉस और टी की जगह पर कॉस एक्स प्लस सी, ये आंसर आ गया कॉस कॉस एक्स प्लस सी। समझ आ गया सभी को? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, इंटीग्रेशन ऑफ साइन ए एक्स प्लस बी इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी इंटू डी एक्स, साइन ए एक्स प्लस बी इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी डी एक्स, ठीक है। इसमें आप एक काम करिए, माना साइन ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू टी, हमने जो साइन ए एक्स प्लस बी देख रहे हैं इसको हमने टी मान लिया। अब दोनों पक्षों का अवकलन करिए, अवकलन करने पर साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस एक्स, तो ये आ जाएगा कॉस ए एक्स प्लस बी, फिर ए एक्स प्लस बी का करोगे तो क्या आ जाएगा ए, साथ में डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, ये ए हम उधर भेजना चाहेंगे तो ये बनेगा कॉस ए एक्स प्लस बी इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी अपॉन ए। इतना समझ आया कि नहीं, पहले ये बताओ, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ, फिर से यहां पर आ जाइए क्वेश्चन पे अपने, साइन ए एक्स प्लस बी इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी इंटू डी एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ, बेटा इसको देखो साइन ए एक्स प्लस बी, पहले इसको देखिए साइन ए एक्स प्लस बी, इसको क्या लिख देंगे हम टी, अब इसको देखिए कॉस ए एक्स प्लस बी डी एक्स, कॉस ए एक्स प्लस बी डी एक्स, इसकी जगह पर क्या लिख देंगे डी टी अपॉन ए, ए कॉन्स्टेंट है बाहर कर लीजिए, अंदर क्या बचेगा बताओ टी डी टी, और इसमें एक मान लो पावर, तो एक्स टू दी पावर एन का फॉर्मूला लगा दो, एक्स टू दी पावर एन का डिफरेंस इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स टू दी पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, तो टी का क्या हो जाएगा टी स्क्वायर अपॉन टू प्लस सी, तो वन अपॉन टू ए, वन अपॉन टू ए टी स्क्वायर कर देंगे साइन एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर ए एक्स प्लस बी प्लस सी। नहीं समझ में आया आपको, ये इसका आंसर आ जाएगा। सिक्स्थ नंबर देखिए, अंडर रूट ए एक्स प्लस बी, इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ए एक्स प्लस बी डी एक्स, ठीक है। इसमें आप एक काम कर लो, ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू टी मान लिया हमने, ये जो ए एक्स प्लस बी देख रहे हैं इसको हमने टी मान लिया, अगर टी मान लेंगे तो अवकलन करेंगे फिर दोनों पक्षों का, अवकलन करने पर क्या होगा इसका, ए डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, तो डी एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा डी टी अपॉन ए, देयरफोर इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ए एक्स प्लस बी डी एक्स इज इक्वल टू, अंडर रूट को, अंडर रूट को पावर वन बाई टू भी तो लिख सकते हैं, तो ए एक्स प्लस बी की जगह पर क्या लिखेंगे, देखो ए एक्स प्लस बी की जगह टी, और टी पे अंडर रूट मतलब टी की घात एक बटे दो, टी की घात एक बटे दो, और साथ में डी एक्स की जगह पर तो डी टी अपॉन ए कर दिया, इसको टी और अंडर रूट की वजह से घात एक बटे दो, डी एक्स को डी टी अपॉन ए।
वन अपॉन ए आप बाहर कर ले क्योंकि कांस्टेंट है, ये टी टू दी पावर वन बाई टू डी टी, और आप याद करिए अंडर रूट टी या टी टू दी पावर वन बाई टू का इंटीग्रल हमने आपको बताया क्या, टू बाई थ्री टी टू दी पावर थ्री बाई टू, और या तो आप एक्स टू दी पावर का सूत्र लगा लो तो भी आपका बन जाएगा, पर याद कर लो तो थोड़ा जल्दी हो जाया करेगा। वन अपॉन ए टू बाई थ्री टी टू दी पावर थ्री बाई टू प्लस सी, अब वैल्यू लिख देंगे टू अपॉन थ्री ए टी की जगह पर ए एक्स प्लस बी टू दी पावर थ्री बाई टू प्लस सी, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो क्या याद करने को हमने बोला है आपको, इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट एक्स डी एक्स को क्या याद कर लो आप, टू बाई थ्री एक्स टू दी पावर थ्री बाई टू प्लस सी, नहीं समझ में आया? और अगर कभी भी वन अपॉन अंडर रूट एक्स डी एक्स आ जाए तो उसे याद कर लो टू अंडर रूट एक्स प्लस सी। आप करके देखो, एक्स की घात एक बटे दो, ऊपर ले गए तो एक्स की घात माइनस एक बटे दो, उसमें हमने एक्स की घात एन का सूत्र लगा दिया, ठीक है? तो कभी भी अंडर रूट एक्स डी एक्स निकालना हो इंटीग्रेशन तो ये आएगा, और वन अपॉन अंडर रूट एक्स डी एक्स का हो तो टू अंडर रूट एक्स प्लस सी आ जाएगा। ये छोटी छोटी चीजें हैं, अगर आप याद करते हैं तो आपका काम बहुत आसान हो जाता है, उसको हमें दो तीन लाइन उस पर खर्च नहीं करनी पड़ती कभी, है ना? तो आप नोट कर लीजिए, ये हमने लगा दिया क्वेश्चन नंबर सिक्स। इसके बाद सेवन नंबर करते हैं, ठीक है? तेजी से हाथ चलाइए। क्वेश्चन नंबर सेवन, ये क्वेश्चन लेगा इंटीग्रेशन ऑफ एक्स अंडर रूट एक्स प्लस टू डी एक्स। ऐसे क्वेश्चन में आप एक काम कर लो, एक्स प्लस टू को हम मान लेते हैं टी स्क्वायर। देखो इस बार थोड़ा सा अलग कर दिया मैंने, एक्स प्लस टू को हमने क्या मान लिया, काहे के मारे कि जब इसकी जगह टी स्क्वायर लिखोगे ताकि उसका वर्गमूल आसानी से आ जाए बाहर, है ना? अब इसको डिफ्रेंशिएट करिए बेटा, डिफ्रेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड्स, एक्स का क्या होगा डी एक्स, टू का जीरो हो जाएगा टी स्क्वायर का, टू टी इंटू डी टी, भाई टी स्क्वायर का टू टी और फिर डी टी तो लगाना पड़ेगा साथ में। रख दीजिए वैल्यू, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स अंडर रूट एक्स प्लस टू डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, देखो भैया x की वैल्यू बेटा अगर यहां से निकालने को हम बोले तो क्या मिलेगी आपको, टी स्क्वायर माइनस टू। देखो x की वैल्यू निकालोगे टी स्क्वायर माइनस टू नहीं आ जाएगा, तो x की जगह पे तो भैया हम लिख देंगे टी स्क्वायर माइनस टू अंडर रूट एक्स प्लस टू, एक्स प्लस टू की जगह पर क्या लिखोगे टी स्क्वायर, तो अंडर रूट टी स्क्वायर का मान क्या आएगा टी, और डी एक्स की जगह पर क्या होगा टू टी डी टी। बताइए समझ में आया कि नहीं आया, ये आप आया? अब इसे सॉल्व करो बेटा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाओ क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा टू टी स्क्वायर, टू टी स्क्वायर का टी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करिए टू टी टू दी पावर फोर डी टी माइनस, अब टू टी स्क्वायर का टू से करोगे तो माइनस फोर टी स्क्वायर डी टी, हमने अलग अलग भी कर लिया उसी लाइन पे। आगे कर लोगे आप, कौन सा फॉर्मूला लगाओगे आप, एक्स टू दी पावर एन, तो ये बन जाएगा टी टू दी पावर फाइव अपॉन फाइव, ये टी क्यूब अपॉन थ्री, तो ये विद्यार्थी गण स्वयं करें। फिर टी का मान लिख देना, टी का मान क्या लिखोगे बताओ, अगर ये टी स्क्वायर की वैल्यू है तो टी की वैल्यू होगी अंडर रूट एक्स प्लस टू, तो टी जब लिखना हो तो उसकी जगह पर लिखेंगे अंडर रूट एक्स प्लस टू, ठीक है? एट्थ नंबर, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स अंडर रूट वन प्लस टू एक्स स्क्वायर डी एक्स
इसको देखो कैसे आप सॉल्व करेंगे। माना 1 प्लस 2 एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी, ये जो 1 प्लस 2 एक्स स्क्वायर आप देख रहे हैं इसी को दो हमने क्या मान लिया टी। डिफ्रेंशिएट करिए दोनों साइड्स पे, डिफ्रेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड्स। 1 का बोलो, 1 का डेरिवेटिव 0, 2 एक्स स्क्वायर का 4x dx is equal to dt, तो x dx is equal to dt upon 4, ये 4 उधर भेज दिया हमने। अब अपने क्वेश्चन पर आ जाइए, x under root 1 plus 2x square dx is equal to, बेटा ध्यान से देखो पहले हम इसको नोट करेंगे, तो हमने लिखा under root और 1 प्लस 2 एक्स स्क्वायर को हमने क्या लिख दिया टी। बताइए इसमें आपको कोई प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम है? फिर इसको आप देख लो जरा टेलीफोन को, ये टेलीफोन जैसा लगता है ना। चलिए एक्स इंटू डी एक्स इसकी जगह पर क्या लिखा जाए, डी टी अपॉन 4 अपॉन 4, कोई प्रॉब्लम? अपॉन 4 यहां लिखोगे फिर आप बोलोगे कि भाई अपॉन 4 कांस्टेंट है चलो बाहर ले लो, फिर एक लाइन पे आप बाहर लेके आओगे, करना वही कर्म है आपको तो पहले ही कर लो यार, ठीक है। और इसका देखो जरा क्या होता, इसका बताओ आंसर, अभी लिख के दिखाया मैंने यहां, बोलो 2/3 टी टू दी पावर 3/2 प्लस सी, ये 2 × 4 1/2 × 3 = 6 और टी की जगह पर 1 प्लस 2 एक्स स्क्वायर टू दी पावर 3/2 प्लस से। ये आया आपको कि नहीं आया भाई? आ गया है ना, कोई डाउट तो नहीं है? अंडर रूट टी का अभी हमने लिख के दिखाया ना, अंडर रूट एक्स का 2/3 एक्स टू दी पावर 3/2 2/3 एक्स टू दी पावर 3/2 बस वैल्यू लिख दिया हमने। ये हो गया 8th नंबर क्वेश्चन। नंबर 9 इंटीग्रेशन ऑफ 4x प्लस 2 स्क्वेयर रूट ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस 2x प्लस 1 इंटू डी एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 है बउआ। देखो बड़ा इजी क्वेश्चन है बेटा ये, तो आप एक काम करो इसमें से 2 कॉमन करो पहले, वो 2 ये आ गया, बताइए क्या बचेगा अंदर, 2x प्लस 1 बचा, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इंटू डी एक्स। यहां तक कोई डाउट तो नहीं है किसी को? अब आप ये जो अंडर रूट के भीतर है ना इसको आप t मान लीजिए, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू t। बेटा देख रहे हैं, डेरिवेटिव निकालो इसका, डिफ्रेंशिएट करो इसको दोनों पक्षों में, डिफ्रेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड्स, प्लीज टेल मी व्हाट इज द डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, 2x प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई dx इज इक्वल टू dt, क्योंकि 1 का क्या हो जाएगा 0। चलिए अब आपका क्वेश्चन कितना है देखो, क्वेश्चन है 2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 2x प्लस 1 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इंटू डी एक्स। देखो भैया जरा ध्यान से, पहले इसको लगाया तो क्या बनेगा बोलो, अंडर रूट टी इसकी जगह पर कर दिया हमने, और अब इसको आप देख लीजिए जरा ध्यान से, 2x प्लस 1 इंटू डी एक्स, 2x प्लस 1 इंटू डी एक्स, इस पूरे को हटा के क्या लिख देंगे, और एक बार फिर से ये ऐसा ही तो बन गया है, तो अब आगे बच्चे स्वयं कर सकते हैं। तो ये कौन सा लगा लिया हमने क्वेश्चन नंबर 9, आप आगे ट्राई करके देख सकते हैं,
आज हम लोग 9 तक रखेंगे, बाकी और सवाल सॉल्व करेंगे पर अगली क्लास पे, ठीक है। नोट कर लीजिए और जहां भी आपको समझ में ना आया करे आप प्लीज बताया करें हमको, ठीक है। तो आज इतना ही रखते हैं मैथमेटिक्स में, चलते हैं, मिलते हैं अगली क्लास पे। थैंक यू।